आमिर खान और जूही चावला वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी मानी जाती है बॉलीवुड की, और इनको हमने पहली बार साथ में कौन सी फिल्म में देखा था? जी हाँ, कयामत से कयामत तक। और इसी फिल्म का क्या कुछ बजट था, क्या कुछ कलेक्शन किया था इस फिल्म में, मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। 1988 में आई थी फिल्म और मंसूर खान के द्वारा डायरेक्ट की गई थी फिल्म, और काफी ज्यादा पसंद किया गया था उनका डायरेक्शन, और साथ ही साथ आमिर खान और जूही चावला की जोड़ी को भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। और इस फिल्म के सॉन्ग्स की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पे क्या अब तक वो सारे सॉन्ग्स पॉपुलर हैं, हिट हैं। और अब बात करना चाहूंगी इस फिल्म के बजट का, तो फिल्म का बजट 1 करोड़ के आसपास का था और इंडिया में इस फिल्म ने 3 करोड़ की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड 6 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। तो कलेक्शन से ही आप पता लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा हिट हुई थी ये फिल्म और काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया था। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहूंगी इस फिल्म को लेकर। जैसे कि इस फिल्म के टाइटल जो कयामत से कयामत है, ओरिजिनली इस फिल्म का टाइटल रखा जा रहा था नफरत के वारिस। जी हाँ, क्या आप इस टाइटल मतलब कयामत से कयामत के अलावा कोई और टाइटल सोच सकते हैं जैसे कि नफरत के वारिस? नहीं ना, तो इसीलिए चेंज करके कयामत से कयामत तक रख दिया गया। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं मंसूर खान, उन्होंने डेब्यू किया था एज अ डायरेक्टर इस फिल्म से। इस फिल्म में हम एक्टर जो इमरान खान है उनको भी देखते हैं, जो कहीं ना कहीं भांजे हैं आमिर खान के। तो आमिर खान का इस फिल्म में जो बचपन का जो कैरेक्टर है वो इमरान खान ने प्ले किया था। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगी इस फिल्म को लेकर, जैसे आमिर खान और उनके कजिन और साथ ही साथ को स्टार राज जुटशी करके जो है, ये दोनों ने मिल के जो पोस्टर्स थे फिल्म के वो सारे बॉम्बे में जितने भी ऑटो वाले थे, ऑटो रिक्शा थे, उसके पीछे उन्होंने ये पोस्टर लगाया था ताकि कहीं ना कहीं आमिर खान एज ए हीरो इंट्रोड्यूस हो सके। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे इस फिल्म की जब कास्टिंग हो रही थी, जूही चावला का जो कैरेक्टर है फिल्म के अंदर रश्मि, वो उसके लिए जब ऑडिशन हो रहा था तो वो ऑडिशन आमिर खान ले रहे थे और उन्होंने ही सिलेक्ट किया था जूही चावला को। और जूही चावला को ऑडिशन के टाइम पे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आमिर खान हीरो होने वाले हैं। फाइनली इन दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा उभर के आती है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। और साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, इस फिल्म के लिए आमिर खान को सिर्फ और सिर्फ 11,000 मिला था। जी हाँ, उस टाइम पे 11,000 मिला था आमिर खान को, जो आजकल करोड़ों में कमाते हैं, लेकिन उस टाइम पे फिल्म कयामत से कयामत के लिए उनको 11,000 मिले थे। 1988 में इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था फिल्म फेयर की तरफ से, और साथ ही साथ 34th फिल्म फेयर अवार्ड में इस फिल्म ने 8 अवार्ड्स जीते थे और 10 बार नॉमिनेशन में आए थे और 8 बार अवार्ड्स इस फिल्म के झोले में गए थे। इतना ही था इस वीडियो में, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कैसी लगी थी फिल्म, कितनी पसंद आई थी, आमिर खान और जूही चावला की जोड़ी आपको कैसी लगी थी, क्योंकि उसके बाद में हमने उनको अकेले हम अकेले तुम इस फिल्म में भी देखा था। और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, कैसी लगी थी, कितनी बार देख चुके हैं, सॉन्ग्स कैसे लगे थे, पापा कहते हैं बेटा हमारा नाम करेगा, ये गाना तो आपको याद ही होगा, और भी कई सारे हिट सॉन्ग हैं इस फिल्म के, तो कैसी लगी थी मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। और देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई, गॉसिप्स और अपडेट्स।